हेलो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम प्राइमरी एक्टिविटीज़। व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। सो बेसिक प्राइमरी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एंड related to agriculture. So in agriculture there is substance agriculture, primitive substance agriculture. We have discussed about intensive substance agriculture. Then we have discussed about plantation agriculture. What are the merits and demerits of plantation agriculture? Then extensive commercial grain cultivation. Then we have discussed about mixed farming, dairy farming. Now today we will discuss about types of farming according to farming organizations. Farming organizations के according जो हमारा farming work है उसको हम two types की farming में divide करते हैं. Types of farming can also be categorized on the basis of farming organizations. It depends upon the way in which farmers own their farms and the policies of the government. So number one is cooperative farming. पहला type क्या है हमारा? Cooperative farming. और इस farming में, cooperative farming is a system of farming in which group of farmers voluntarily pool their land and resources and land and resources from cooperative society. Cooperative societies help the farmers in producing important inputs, sell the farm products at almost profitable rates and processing the quality products at cheaper rate. कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड की जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा. ये वो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सक्सेसफुली रन की जाती है. और इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट पर्टिकुलरली एवरी फार्मर इज़ अ मेम्बर ऑफ अ कोऑपरेटिव. कोई ना कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है वो कोई ना फार्मर किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है. यानी जितने भी फार्मर्स हैं वो किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहकर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग. Collective farming, in this farming the farmer is based on social ownership of the means of production and collective labor. It was adapted in USSR after the 1917 revolution. USSR में इसको सबसे पहले adopt किया गया. A special mode of colgons was introduced to improve upon the inefficiency of the previous method of agriculture and to boost agriculture production. So agriculture production को boost करने के लिए इस तरह की farming को Russian countries ने सबसे पहले adopt किया. In this farming the farmer pool all their resources like land, livestock and labor in collective farming. However they are allowed to retain a small piece of land to grow crops for their daily needs. अपनी daily needs के लिए एक small land को farmers को दिया जाता है ताकि वो अपनी daily needs खाने पीने की उससे पूरी कर सके. The government sets the yearly target to the farmers. जो government है वो सालाना target farmers को देती है कि आपको produce is sold to state at fixed prices.
किसी भी स्टेट में इस फिक्स प्राइस पे अपना प्रोडक्ट आपको सेल करना है. द एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स और इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट. जो एक्सेस है यानी जो हमारे टारगेट से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया है उसको या तो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट या मार्केट में उसको भी बेच दिया जाता है. द फार्मर हैव टू पे टैक्सेस ऑन द फार्म प्रोड्यूस. फार्मर को अपने जो फार्म प्रोड्यूस हैं जो मशीनरी हैं और जो वो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसके अगेंस्ट उसको टैक्स पे करना होता है. मेंबर आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क अलॉटेड टू देम बाय द फार्म मैनेजमेंट. जिसका फार्म है उसको जो काम उसके मेंबर्स जितने भी हैं उन मेंबर्स को जो जो काम मिला है काम के अकॉर्डिंग उन मेंबर्स का पेमेंट किया जाता है. दे आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क अलॉटेड टू देम बाय द फार्म मैनेजमेंट. एक्सेप्शनल वर्क कोई अगर एक्स्ट्रा वर्क है इज़ रिवॉर्डेड इन कैश और काइंड. उसको रिवॉर्ड भी किया जाता है. ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा या उसको ऐसे ही फ्री में काम कर. जो एक्स्ट्रा वर्क है एक्सेप्शनल वर्क है या कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाला है अपने फील्ड में तो उसको अवार्ड भी किया जाएगा इन कैश और काइंड. दिस फार्मिंग हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय सम अदर सोशलिस्ट कंट्रीज इन एडिशन टू रशिया. रशिया के अलावा कई और रशियन कंट्रीज़ ने यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस तरह की फार्मिंग को अडॉप्ट किया है. नाउ अनदर दिस इज़ द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अलग अलग तरह की फार्मिंग वर्ल्ड के कौन कौन से एरियाज़ में की जाती है ये हमने अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट काइंड और डिफरेंट एरियाज़ में जो होती है वो किया. अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज़ माइनिंग. माइनिंग रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को जब हम अंडरग्राउंड निकालते हैं तो जो एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स का वही माइनिंग है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन. बहुत पुराना काम है ये. ऐसा नहीं है ये नई टेक्निक है. तो ये समय समय पर अपने टूल्स और टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ये बदलता रहा है लेकिन दिस इज़ दी ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैनकाइंड. नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी माइनिंग एक्टिविटीज़. माइनिंग एक्टिविटीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फिजिकल एंड इकोनॉमिक. बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं. जैसे द फिजिकल फैक्टर विच इफेक्ट माइनिंग आर द साइज ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट. ये तो हमारे हो गए फिजिकल फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर जैसे डिमांड ऑफ द मटेरियल देन टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर यूजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो दीज आर दी अनदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइनिंग एक्टिविटीज़. सो एंड वी हैव टू मेथड्स ऑफ माइनिंग. वन इज़ सरफेस माइनिंग एंड अनदर वन इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज़ दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी सेक्टर. थैंक यू सो मच.